सो इस तरीके का स्टेटस का मैं आपको ट्यूटोरियल्स देने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन से पूरा का पूरा इस तरीके का स्टेटस बना सकते हो। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। सो हाय एवरीवन, मैं हूँ रोहित और आप देख रहे हैं रोहित के आज का वीडियो में जो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलने वाली व्हाट्सअप स्टेटस का ट्यूटोरियल मैं आज के वीडियो में देने वाला हूँ। तो क्या आप पूरा का पूरा जो वीडियो को लास्ट तक देखिए और देखिए कि किस तरीके से ये जो स्टेटस जो आप देख पा रहे हो इस तरीके का स्टेटस आप बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है आज के डेट में। इस तरीके का स्टेटस आप कैसे बना सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से, कैसे क्रिएट कर सकते हो पूरा का पूरा 10 से 12 मिनट की इस वीडियोज़ में। मानता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस होने वाली है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक अगर आप देख लेते हो तो पूरा का पूरा स्टेटस बनाना सीख जाओगे और आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आज का मैं जो स्टेटस बनाने वाला हूँ आप सभी को बीच में जो भी जितनी भी मैं यहाँ पे चीज़ यूज़ कर रहा हूँ सारा का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे मैं 4 स्टेप का यूज़ करके मैं वीडियोज को यहाँ पे पूरा का पूरा स्टेटस बनाने वाला हूँ। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रीव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमारा जो स्टेटस बनाने के बाद में दिखाई देने वाला है। तो इस तरीके का स्टेटस का मैं आपको ट्यूटोरियल्स देने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से पूरा का पूरा इस तरीके का स्टेटस बना सकते हो। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा मैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो फटाफट आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, अपने मोबाइल के स्क्रीन पर जाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से आपका स्टेटस को बनाया जाता है। पहला जो स्टेप होगा कुछ इस तरीके का, आपको एक बैकग्राउंड ले लेना है, यानी बैकग्राउंड मैं बोलूँ तो आपको कुछ इस तरीके का एक फोटो लेना है, जिस फोटो का आपको क्या करना है बैकग्राउंड इसका जो बैकग्राउंड होगा उसको क्या करना है आपको रिमूव कर लेना है। अगर मैं इस वाले फोटो का बैकग्राउंड मैं यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ तो मैं फटाफट यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ। तरीके से कुछ बैकग्राउंड को आपको क्या करना है रिमूव कर लेना है, आपका जो भी फोटो का जो होगा बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से आपको रिमूव कर लेना है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड में रिमूव कर रहा हूँ, सिर्फ आप सभी को बताने के लिए मैं यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा आराम से कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ रिमूव कर ले रहा हूँ। रिमूव करने के बाद में सिंपल से आपको क्या करना है, सो इस तरीके से फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर देने के बाद में आपको क्या करना है इस वाले फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, बैकग्राउंड को रिमूव कर लूँगा। बैकग्राउंड को रिमूव करने के बाद में सिंपल से क्या करेंगे कि पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। यहाँ से पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में जिस वाले फ़ोटो को हमने यहाँ पर बैकग्राउंड को चेंज करा था सिंपल से क्या करेंगे उस वाले फ़ोटो को यहाँ से प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करने के बाद में वो वाला फोटो को यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो फटाफट फोटो को ऐड कर लेते हैं। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये वाला फोटो को हमने अभी यहाँ पे इरेज करा था उस वाले फोटो को यहाँ से ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद में इस वाले फोटो को साइड उड़ देंगे। तो सिंपल से क्या करते हैं आप नीचे साइड में जैसा कि देख पा रहे हो बहुत सारा ऑप्शन शो कर रहा है, तो यहाँ पर बीच वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा, स्क्रॉल करने के बाद में सिंपल से क्या करना है यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है स्टॉक वाले ऑप्शन पे चले जाना है। उसको यहाँ से इनेबल करते हैं। इनेबल करने के बाद में आपका जो स्टॉक है 1 या 2% यहाँ पे रखना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद करने के बाद में सिंपल से थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर साइडों का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद में इसका साइडों का जो कलर होगा आप जौन सा भी यहाँ पर कलर रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर येलो का कलर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ और इसकी ओपोसिटी आप अपने अनुसार से सेट कर सकते हैं सारा चीज़। मैं यहाँ पे सेट कर ले रहा हूँ। सेट करने के बाद में सारा चीज़ सो इस तरीके से साइडो सेट कर लेना है। साइडो सेट करने के बाद में सिंपल से क्या करना है आपको यहाँ पे साइडो सेट करने के बाद में इस वाले लेयर को क्या करना है आपको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद में आपको एक स्टिकर यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो जो स्टिकर्स मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ उसका मैं यहाँ पे आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपल से क्या करना है यहाँ पे एक स्टिकर यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, आप डाउनलोड कर लेना। तो मैं इस वाले स्टिकर को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ जो कि PNG फाइल में है। तो ऐड करने के बाद में सिंपल से क्या करना है कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद में हमारा फोटो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। उसके बाद में सिंपल से क्या करना है सो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे साइड में एक और यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेयर के जैसा। इस पर जाना है, इस पर जाने के बाद में यहाँ पे क्या करना है इसका जो बैकग्राउंड होगा उसको क्या करना है ट्रांसपेरेंट कर देना। ट्रांसपेरेंट कर देने के बाद में क्या होगा कि आपका फोटो का जो भी होगा बैकग्राउंड वो PNG में जब आप सेव करोगे तो PNG में बन के जाएगा। ये करने के बाद में मैं यहाँ से फोटो को जो है ट्रांसपेरेंट करने के बाद में फोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे। आपका जो भी फोटो होगा यहाँ से सेव कर लेंगे PNG फाइल में। अब हमारा जो तीसरा जो होगा स्टेप होगा क्या करना है कि PicArt एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर लेंगे। PicArt एप्लीकेशन में मुझे 2 स्टेप को यहाँ पे फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा PicArt एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। PicArt एप्लीकेशन जैसा कि देख पा रहे हो ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद में मुझे क्या करना है PicArt एप्लीकेशन में जा करके कुछ फ़ोटोज़ का जो एक कॉलेज बना लेना है, जो कि 9 या 10 फोटो का एक कॉलेज बना लेना है। तो सिंपल से क्या करेंगे प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे। प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके का आपको 2 से 3 फोटोज़ को क्रिएट कर लेना है। तो आपका फ़ोटो जहाँ भी हो तो
जो भी आपका फ़ोटो को यहाँ पे एड करना चाहते हैं कुछ इस तरीके का फ़ोटो आपको यहाँ पे बना लेना है। तो मैं यहाँ पे 9 से 10 फ़ोटो को मैं यहाँ पे एड कर लेता हूँ अपनी फटाफट। सो अभी हमने यहाँ पे 9 फ़ोटो एड कर लिया है, तो कुछ इस तरीके से आपको भी एड कर लेना है यहाँ पे फ़ोटो वगैरह। तो अभी हमारा फ़ोटो एड हो चुका है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से फ़ोटो वगैरह एड हो जाना है, 9 फ़ोटो को आपको यहाँ पे एड कर लेना है। अब नीचे में बहुत सारा जो आपको लेआउट मिल जाता, तो सिंपल से क्या करना है आपको इस वाले लेआउट को आपको यहाँ पे चूज करना है जैसा कि देख पा रहे हो। जो जो फ़ोटो का फेस नहीं दिखाई दे रहा उसको पर क्लिक करने के बाद में सारा फ़ोटो को आप यहाँ पे जूम आउट भी कर सकते हो और सारा चीज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे सारा फ़ोटो को सेट कर लेता हूँ। उसके बाद में सिंपल से क्या करना है, कुछ इस तरीके से लेयर बाय लेयर बना करके 3 फ़ोटो को आपको सेव कर लेना है। तो अभी हमें जो पी कार्ड में जो दूसरा स्टेप यहाँ पे फॉलो करना है, सिंपल से क्या करना है, एक वाइट बैकग्राउंड लेना है कुछ इस तरीके से। और उसके बाद में लेने के बाद में जो अभी हमने फोटो जो बनाया था कॉलेज करके, तो तीनों फोटो को एक साथ में क्या करना है, उस वाले वाइट बैकग्राउंड में जोड़ देना है। तो वाइट बैकग्राउंड में जोड़ने के बाद में उस वाले वाइट बैकग्राउंड को क्या करना है, सिंपल से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में हम चलेंगे इनशॉट एप्लीकेशन में, जहाँ पर हमें पूरा का पूरा स्टेटस को रेडी करना है। सिंपल से क्या करना है, इनशॉट एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में सिंपल से आपको जैसा कि देख पा रहे हैं कि इनशॉट एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे 3 तरीके का लेयर दिखाया जा रहा है। तो सिंपल से क्या करना है, आपको वीडियोज़ वाले लेयर पे क्लिक करना है। वीडियोज़ वाले लेयर पे क्लिक करने के बाद में न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ब्लैंक आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे एड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ब्लैंक एड कर लेता हूँ। ब्लैंक एड करने के बाद में सिंपल से क्या करना है, राइट क्लिक कर देना है। और आपका वीडियो का जो जितना सेकंड का वीडियो स्टेटस बनाना चाहते हो, जितना सेकंड का आपका जो डायरेक्शन हो, तो उसको आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। तो मैं यहाँ पे 10 या 15 सेकंड का मैं यहाँ पे स्टेटस बनाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से 15 सेकंड कर लेता हूँ। और इसका जो रिस्क मैं रखने वाला हूँ यहाँ पे 1.1 रखने वाला हूँ। तो सिंपल से क्या करना है, यहाँ से जाकर 1.1 सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद में रेशियो सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे फोटो एड करना है जिस वाले फ़ोटो को हमने यहाँ पे पी कार्ड में बनाया था। तो सिंपल से क्या करना है, PIP वाले यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है पिप पे, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ऊपर में देखोगे कि आपका फ़ोटो जो अपने पी कार्ड में बनाया था वो फोटो आपको यहाँ पे ऊपर में शो करेगा। तो सिंपल से क्या करना है, इस वाले फ़ोटो को एड कर लेना है। कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, जूम कर लेना। इस तरीके से जूम कर लेना। जूम करने के बाद में आप यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है की फ्रेम नाम का, सिंपल से इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एक बार क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से जा करके एक बार लास्ट में जा करके आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में आपका ये जो फोटो है उसको क्या करना है, सिंपल से आपको पकड़ के कुछ इस तरीके से आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाना है। इससे क्या हुआ कि आपका जो फोटो में जो मूविंग का जो वो आएगा, स्टाइल आएगा, जो यहाँ से ही एड होने वाला है। तो इस तरीके से धीरे 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 आपको क्या करना है, ऊपर की तरह स्क्रॉल करते जाना। जहाँ पे आपकी फ़ोटो एंड हो रही है वहाँ पे रोक देना। रोकने के बाद में सिंपल से क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद जैसा कि देख पा रहा हूँ कि मैं अभी यह मैं यहाँ से प्ले करते हैं तो कुछ इस तरीके का शो करता है। अभी जो हमारा स्टेटस में जो मूविंग का जो फ्यूचर आने वाला तो कुछ इस तरीके से आ चुका है जैसा कि देख पा रहे हो। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल से इस वाले फ़ोटो का सिचुएशन पूरा कम कर देंगे। तो फिल्टर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। फिल्टर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में एडजस्टमेंट पे जाएंगे। यहाँ से जाने के बाद में इसका क्या करेंगे, सिचुएशन को पूरा कम कर देंगे। इस तरीके से सिचुएशन कम करने के बाद में इसका जो बिगनेट होगा उसको क्या करेंगे, 100% कर देंगे। करने के बाद में सिंपल से क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में फिर से मुझे क्या करना है, पीप वाले ऑप्शन पर जाना है। और यहाँ से क्या करना है, पीप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे एक और इस तरीके से आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे एक ये ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद में इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक आपको जो है इस तरीके से यहाँ पे लगा देना है। लगाने के बाद में फिर से यहाँ पे पीप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से करने के बाद में अपने जो फ़ोटो पिक्सल लैब में जो बनाया था उस वाले फ़ोटो को सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर लेना है कुछ इस तरीके से। ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद में यहाँ पे सेलेक्ट करके कुछ इस तरीके से रख देना। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको जीओएसबी गाने पे आप यहाँ पे स्टेटस वगैरह सेट करना चाहते हो तो सिंपल से क्या करना है, यूट्यूब पे चले जाना। यूट्यूब पे चले जाने के बाद में आप जिस भी गाना को इस वाले स्टेटस में सेट करना चाहते हो उसमें क्या करना है, सबसे पहले यूट्यूब पे चले जाना। यूट्यूब पे चले जाने के बाद आपको वहाँ पर सर्च कर लेना है ब्लैक स्किन लिरिक्स सॉन्ग। कुछ इस तरीके से बहुत सारा सॉन्ग आ जाएगा जो आपको जो भी पसंद आता है, हिंदी, भोजपुरी, बंगाली, जो भी सॉन्ग आपको वहाँ पर पसंद आता है उस वाले सॉन्ग को आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में मैं यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हूँ, तो मैं सिंपल से उसको क्या करता हूँ, पिप वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ करूँगा। उसके बाद में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, तो ब्लैक स्क्रीन आ रहा है तो सिंपल से क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा, यहाँ पे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, यहाँ से स्क्रीन कर दूँगा। स्क्रीन करने के बाद में इस पट्टी के अनुसार सिंपल से क्या करूँगा, यहाँ से ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद में मैं अभी प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरीके का हमारा जो है अब ये स्टेटस बन करके रेडी हो चुका है। सो आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद में पूरा का पूरा स्टेटस आप बनाना सीख चुके होंगे। अगर आप स्टेटस बनाना सीख चुके होंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो को, और जो जो लोग स्टेटस बनाना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए।
सो आज का वीडियो को ज़्यादा लाइक का एम नहीं रखते, 100 लाइक का एम रखते हैं। तो अभी वीडियो को पूरा, मुझे पता है कि जितनी भी मेरी फैमिली यूट्यूब फैमिली है 100 लाइक तो कंप्लीट कर ही देगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आप सभी से एक न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।